हाय एवरीवन, दिस इज यश कुमार। आज बहुत ही सीरियस मुद्दे पर आप सबसे बात करने आया हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार, एक अभिनेता होने के साथ साथ मैं एक हिंदुस्तानी भी हूं, एक देशवासी भी हूं, जिसे अपनी बातें कहने का पूरा हक है, अपनी बातें लोगों तक रखने का पूरा हक है। आज हम सब एक बहुत ही गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान एक गंभीर बीमारी से लड़ रहा है, जिसका नाम है कोरोना। मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के कई ऐसे देश हैं जो इस बीमारी से इस समय लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पर हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सिर्फ नकारात्मकताएं फैलाई जा रही है, जहां सिर्फ निगेटिव चीजें देखने को मिल रही। मैं एक अभिनेता हूं, जाहिर सी बात है मेरा दायरा थोड़ा सा बड़ा होगा लोगों से, बहुत सारे लोग होते हैं टच में। करीब मेरे साथ व्हाट्सएप पे 3,500-4,000 लोग जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लाखों में लोग जुड़े हुए हैं। मैं सुबह उठता हूं चाय की चुस्कियों के साथ, जब व्हाट्सएप खोलता हूं तो मुझे 150 मैसेजेस ऐसे मिलते हैं जिसमें सिर्फ कोरोना से मौतें दिखाई जा रही, सिर्फ कोरोना की वजह से फलाना जगह पे इतने लोग मर गए, कोरोना की वजह से फलाना जगह पे इतने लोग हो गए, इतनी किडनी निकाल ली गई, इतना ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। दुनिया भर की नकारात्मक समाचार, निगेटिव न्यूज मेरे तक पहुंचाई जा रही है। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा, कि हमारे यहां हिंदुस्तान में जितने लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उसमें डेथ सिर्फ 2% लोगों की हो रही है, 98% लोग सही होकर के अपने घर जा रहे हैं। मतलब 100% लोगों में सिर्फ मौत 2% लोगों की हो रही है, 98% लोग सही होकर के घर जा रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ उन 2% लोगों की बातें कर रहे हैं, 98% लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना के युद्ध में विजय हासिल की है। फॉर एग्जाम्पल, हम जितनी भी नकारात्मक न्यूज, जितनी भी निगेटिव न्यूज हम सुनेंगे, हम निगेटिव हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है यार अब हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। और इसका श्रेय सिर्फ इस नकारात्मक समाचार में, निगेटिव न्यूज में है। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये निगेटिव न्यूज अगर आपके व्हाट्सएप पे आ रही है तो उसे डिलीट करिए और सामने वाले को बताइए कि भैया निगेटिव न्यूज आगे मत भेजिए। हम उन 98% लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो सही हो गए हैं, जिन्होंने कोरोना पर विजय हासिल की है, हम उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सिर्फ 2% लोगों की बात करके दिन भर टेंशन में रहते हैं कि यार हमारा क्या होगा, यार हमारे रिलेटिव्स का क्या होगा। मेरी बहन पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस में है, उसे कोरोना हो गया था, वो दिन रात पब्लिक की सेवा में लगी हुई है, कोरोना हो गया था और वो सही होकर के वापस आई है, उसने कोरोना से जंग जीता है, क्वारंटाइन रही वो 14 दिन, उसके बाद से सही होकर के फिर लग गई है देश सेवा में, फिर लग गई है लोगों की मदद में। लेकिन निगेटिव न्यूज सुन सुन करके मैं इतना टेंशन में आ गया था कि जिस दिन मुझे पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है, मैं सो नहीं पा रहा था, मेरे को टेंशन थी उसकी। फॉर एग्जाम्पल, जब एक गर्भ में बच्चा होता है ना मां के, तो मां दिन भर अच्छे अच्छे न्यूज सुनती है, अच्छे अच्छे भक्तिमय गाने सुनती है, भगवान की बातें करती है, पॉजिटिव चीजें देखती है। क्यों? क्योंकि पेट में रहे उस बच्चे तक हर चीज पॉजिटिव जाए। सेम हमारे और आपके साथ है बॉस, कि हम दिन भर जब निगेटिव चीजें सोचेंगे, दिन भर जब निगेटिव समाचार देखेंगे हम, तो हम निगेटिव हो जाएंगे कंप्लीटली, जी नहीं पाएंगे हम लोग। अगर आपके आसपास में कोई कोरोना पॉजिटिव रहा हो और जो सही होकर के घर पे आया है, तो उसका एक 10 सेकंड का वीडियो बनाइए और उनको बोलिए कि ये बोलिए कि भैया मैंने कोरोना को हराया है और कोरोना को हरा करके आज मैं स्वस्थ हूं, और उस वीडियो को शेयर करिए। अगर उस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप समझिए कि उस वीडियो को देख करके जो लोग कोरोना की बीमारी से इस समय लड़ रहे हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा, वो उनका विल पावर बढ़ेगा, वो उस बीमारी को हरा सकते हैं। फेक न्यूज फैलाना बंद करिए मेरे दोस्तों,
व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां देखिए वहां सिर्फ और सिर्फ कोरोना से इतने लोग मरे, कोरोना से ये हुआ, कोरोना से वो हुआ। अरे भैया ये भी तो फैलाइए कि 98% लोग सही होकर के अपने परिवार में जा रहे हैं, उनका वीडियो क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं आप? हद तो ये है कि भाई साहब, इंडिया से बाहर के कुछ ऐसे वीडियोस जिसमें मरीज अंदर बंद है या अंदर सारी चीजें, लोगों को काटा गया है, क्या किया गया है, इंडिया के बाहर के भी वीडियोस आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक डाल करके कि ये इंडिया का है, इंडिया का है, इंडिया का कहकर भेज दे रहे हैं। सोचिए कि एक कोरोना से जो मरीज लड़ रहा है, जब वो इस तरीके के, वो भी व्हाट्सएप यूज कर रहा है, इस तरीके के न्यूज देखेगा तो वो तो उसका मनोबल वैसे ही टूट जाएगा। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूं, गलत न्यूज की बात कर रहा हूं। एक लिरिक्स राइटर, गाना लिखने वाले एक गीतकार की मृत्यु होती है और अचानक से सारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने शोक व्यक्त किया कि कोरोना से फलाना आदमी मर गए, कोरोना से फलाना आदमी मर गए। सबको डर हो गया कि यार 35-40 साल का एक आदमी कोरोना से मर रहा है, सोचिए, एकदम यंग। और अगले दिन जब उसका रिपोर्ट आता है तो वो कोरोना निगेटिव होता है उसका रिपोर्ट। मतलब आप लोगों ने बिना सोचे बिना समझे कितना बड़ा गलत गलत संदेश पूरे समाज को दे दिया। मैं यश कुमार हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया पॉजिटिव न्यूज दीजिए लोगों को। निगेटिव न्यूज सुन सुन करके लोगों के हार्ट अटैक हो जा रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की तादाद कम है, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हार्ट अटैक से मरने वालों की तादाद ज्यादा है। भाई साहब, हर लोग आज व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप लोग हर लोग फेसबुक यूज करते हैं। आप सभी से यश कुमार का करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके एक निवेदन है कि निगेटिव समाचार को आगे मत फैलाइए। अगर फैलाना है तो पॉजिटिव समाचार फैलाइए, पॉजिटिव न्यूज लोगों को दीजिए कि कोरोना से इतने लोग सही होकर के अपने घर गए, कोरोना से 98 साल का वृद्ध इंसान कोरोना से अभी अभी विजय हासिल करके अपने घर पे गया है। ऐसे ऐसे समाचार जब सुनाएंगे तो वो लोग जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, वो कोरोना को हराने में सक्षम होंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज 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 किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव न्यूज लोगों को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या मैसेंजर पे ना भेजें। और अगर मेरी बात सही लगी हो आपको तो यश कुमार का निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पॉजिटिव होंगे। एक अभिनेता बनकर नहीं, एक आम भारतीय इंसान बनकर ये मैं आप सबसे बात कह रहा हूं, क्योंकि ये इस समय दायित्व तो है, कर्तव्य है हम सबका कि देश सच में एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा है, हम लोगों को पॉजिटिव रहना है। थोड़ा योगा करिए, थोड़ा काढ़ा पीजिए, दिन भर में 5 बार 6 बार 4 बार चाय पीजिए, थोड़ी थोड़ी गार्गल कीजिए, भाप लीजिए स्टीम, इससे आप लोग सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और हां, बिना मास्क के घर से बाहर मत निकलिए, पहले तो घर से बाहर ही मत निकलिए, और अगर आपको लगता है कि बहुत जरूरी है घर से बाहर जाना तो प्लीज मास्क लगा करके जाएं, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो आपका परिवार सेफ रहेगा। वरना भाई साहब, मर जाने के बाद एक सिंपल सा सिंपैथी दिखाने के लिए कोई फेसबुक पे RIP रिप लिख देता है, कोई लिख देता है स्वर्गवासी हो, कोई ओम शांति लिख देता है, इससे ज्यादा कोई सिंपैथी नहीं जताता है। 10 दिन लोग 15 दिन 20 दिन याद रखेंगे, भूल जाएंगे। तो आप अपने परिवार की जिम्मेदारी है, आप अपने परिवार का गौरव है, आप अपने परिवार के अन्नदाता है। इस समय जो कुछ भी करिए, जहां पर भी निकलिए, पूरी सेफ्टी के साथ निकलिए या मत निकलिए कुछ दिन। और एक लास्ट में यह बात जरूर कहूंगा कि कोरोना का वक्त है, जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह के 10 घर आगे 10 घर पीछे ये जरूर देखें कि कोई भूखा ना सो रहा हो। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यश कुमार का एक बार फिर से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे, कहीं पे भी कोई भी निगेटिव समाचार आप आगे फॉरवर्ड मत करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।